टू आवर चैनल। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी वैकेंसी आपके लिए बार बार आए। दोस्तों, नर्सिंग की सबसे बेस्ट जॉबों में से इसको माना जाता है। फाइनली जॉब आ चुकी है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, बेसब्री से इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बताना चाहूँगा, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जो कैंडिडेट्स जीएनएम वाले होते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारी वैकेंसियों में, तो उनके लिए भी ये सुनहरा मौका आया है। दोस्तों, फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी सैलरी आपको 80,000 के आसपास मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी पूरी जानकारी। जैसा हमने आपको पहले से ही बता रखा था डियर साथियों, वैकेंसी जो निकाली गई थी 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे। आज से फॉर्म इसके स्टार्ट हैं, आज से आप अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देख सकते हो दोस्तों, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी। बहुत सारे पद निकाले गए थे DSSSB के द्वारा। जी हाँ साथियों, DSSB आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी टाइम के बाद जॉब आई थी और इस जॉब के लिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना होता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन जो फॉर्म है दोस्तों देख सकते हो, 13/2/2024 यानी कि 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक रहेंगे? 13 मार्च तक इसके फॉर्म रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म लगा दीजिए, जिस प्रकार भी लगाना चाहते हो। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी शानदार है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फॉर्म के बारे में स्पेशल आपको बताया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं 1507 वैकेंसी हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की भी हैं। इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, अगर जनरल की बात की जाए तो उसमें जनरल की जो वैकेंसी हैं 724 पोस्ट हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं। उसके बाद में OBC की 445 हैं, SC की 115 हैं। और दोस्तों ये देखिए, दिल्ली की जॉब है तो इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही जो माने जाएंगे कैटेगरी वाइज। ओके, तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, फॉर्म 13/3 तक रहने वाले हैं, तो आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का टाइम आपके लिए दिया गया है। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में भी हम आपको बता देंगे। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए GNM वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। हर एक वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन इस वैकेंसी में साथी हो केवल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिलेबस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके अदर सब्जेक्ट से आएंगे। तो इसमें क्राइटेरिया यही होता है। ठीक है, आपका एग्जाम्स का क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में जो आपका सिलेबस है, एक बार मैं अच्छे से आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से पढ़ लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग की सारी जानकारियाँ या फिर नर्सिंग एग्जाम्स के बारे में सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।